डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग क्लास 9। डियर स्टूडेंट, हमने लास्ट लेक्चर में कहानी भाग कंप्लीट कर ली है। उसमें हमने 7 से लेकर 9 लेसन किए थे। आज हम निबंध भाग स्टार्ट कर रहे हैं। उसमें है लेसन नंबर 12, नींद की नींद, जिसके राइटर श्री राम वृक्ष बेली बोरी हैं। आपको ये निबंध का सार दिया जा रहा है। इस सार को आपने अच्छी तरह यहाँ से लेकर यहाँ तक पढ़ना है। इसको पढ़ने से आपको सारी स्टोरी समझ में आ जाएगी। उसके बाद आप हेडिंग डालोगे। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक या दो पंक्तियों में दीजिए। क्वेश्चन नंबर 1, नींव की पाठ के आधार पर बताएं कि दुनिया क्या देखती है। इसका आंसर है, दुनिया इमारत की चमक दमक देखती है, उसका ऊपर का आवरण देखती है। सेकंड क्वेश्चन है, इमारत का होना न होना किस बात पर निर्भर करता है। इसका आंसर है, उसकी मजबूती पर। क्वेश्चन नंबर 3, लेखक ने नींव की ईंट किसे बताया है। आंसर है, जो ईंट जमीन के साथ आ नीचे जाकर गिरती है, इमारत की पहली ईंट बनती है। इसी ईंट पर इमारत की मजबूती तथा होना न होना निर्भर करता है। लेखक ने से ही नींव की ईंट कहा है। क्वेश्चन नंबर 4, नींव की ईंट ने अपना अस्तित्व क्यों विलीन कर दिया। आंसर है, नींव की ईंट ने अपना अस्तित्व इसलिए विलीन कर दिया ताकि यह संसार एक सुंदर सृष्टि देख सके। क्वेश्चन नंबर 4, ईसा की शहादत ने किस धर्म को अमर बना दिया। आंसर है, ईसाई धर्म को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसकी हड्डियों के दान से वित्रासुर का नाश किया। आंसर है, महर्षि दधीची। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेखक के अनुसार सत्य को असत्य की प्राप्ति कब होती है। आंसर है, कठोरता और भद्रापन दोनों का सामना करते हैं तब सत्य की प्राप्ति होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाठ में लेखक ने दधीची तथा वित्रासुर शब्द किसके लिए प्रयुक्त किया है। इसका आंसर है, दधीची शब्द जो है वो शहीदों तथा वित्रासुर विदेशी आक्रमणकारी के लिए प्रयुक्त हुए। दिए स्टूडेंट, आपने ये 1 से लेकर 8 क्वेश्चन, वेरी शॉर्ट है, इसे फेयर नोटबुक पर राइट करनी है। धन्यवाद।